हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? माय नेम इज लवजीत अरोरा। सो आज हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें बोर्ड के पर्पस से, अगर हम बात करें 11th 12th, सो सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप को करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एज यू नो दैट माई नेम इज लवजीत अरोरा। आई एम अ BCA एंड MCA होल्डर, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं सो आप मेरा नाम टाइप करके मुझे सर्च कर सकते हैं। एज यू नो दैट आई एम अ नंबर वन एजुकेटर इन माई कैटेगरी, और मेरी जो कैटेगरी है वो है प्रोग्रामिंग कैटेगरी। सो इस तरीके से आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। सो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे रेफरल कोड की। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है उसको बाय नहीं किया है। सो उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट है कि टोटल जो आपका अमाउंट है, अगर आप 11th में हो या 12th में हो, अगर आप जो टोटल पैक है जो खरीदते हो उसमें से अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, जो टोटल पैक होता है उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके, नॉट ओनली कंप्यूटर्स, सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर, और आप अगर उसको बाय करते हो, उसको खरीदते हो, तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये जो मेरा नाम है इसको यूज़ करते हो तो। ओके, सो ये रेफरल कोड आपको हेल्प करेगा 10% डिस्काउंट के लिए। सो ये था रेफरल कोड के बारे में और इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो डेटा टाइप बेसिकली क्या है, कैसे इनका यूज़ होता है, सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टॉपिक। सो चलिए अब हम डेटा टाइप की पहले डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। वेरिएबल्स कैन होल्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। वी नो दैट कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो हम वेरिएबल्स के अंदर पुट करते हैं, ओके। लेकिन जैसे अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं या आप C++ के बैकग्राउंड से हैं, तो यूजुअली हम उनमें क्या करते थे, हम लोग इंटीजर और a इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू पुट करते हैं, ओके। सो ये जो वैल्यू है ये किस टाइप की है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, करेक्ट, ओके। सो यूजुअली हम जावा या C++ में कुछ इस टाइप से डिक्लेरेशन करते थे, ठीक है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है कि ये a नाम का वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, इंटीजर टाइप की ही वैल्यू है, ठीक है। वैसे ही अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन क्या है, एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इससे क्या मतलब है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज से, कि हम लोगों को इसके जो वेरिएबल्स हैं, जो भी वैल्यू हम यूज़ करते हैं, उसके डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। रन टाइम पर वो ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर होता है उसको उसके साथ बाइंड कर देता है वैल्यूज़ के साथ। जैसे अगर मैं ये सेम जो कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जावा का, जैसे अभी यहाँ पर भी लिख देती हूँ, इंटीजर, ओके, ए इज इक्वल्स टू 10, ओके। सो यूजुअली वी आर राइटिंग लाइक दैट, ओके। इस लाइन का क्या मतलब है कि ए एक वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर वैल्यू भी क्या आएगी, इंटीजर टाइप की। बट यही सेम स्टेटमेंट अगर मैं पाइथन के अंदर लिखती हूँ, सो मुझे सिर्फ इतनी चीज़ है जो लिखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू 10, ओके। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि ये एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो इंटरप्रेटर होगा वो इम्प्लिसिटली इसको बाइंड कर देगा, ओके, वैल्यू के साथ इसका टाइप, ओके। सो ये रही हमारी एक डेफिनेशन, ओके। सो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि हमारे पास कितने टाइप्स के यहां पर डेटा टाइप्स हैं, तो हमारे पास यहां पर नंबर है, हमारे पास यहां पर स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ट्यूपल्स हैं, और सेट। सेट एक्चुअली आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ना तो 11th में है ना 12th के अंदर है। सो बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो इन्हीं के ऊपर रहेगा, ओके, लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल और स्ट्रिंग, ओके। सो इनको हम अलग से समझेंगे। बेसिकली मैंने लिस्ट के बारे में तो इंट्रोडक्शनरी पार्ट था जो मैंने 12th के लिए करवा दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को, और अभी के लिए जो इस वीडियो के अंदर है हम इनका ओवरव्यू करेंगे यहाँ पर, ओके। डीप में हम लोग स्ट्रिंग के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक बड़े बड़े चैप्टर्स हैं स्ट्रिंग, डिक्शनरी और ट्यूपल्स के ऊपर। सो हम इनका ओवरव्यू देखेंगे एज ए डेटा टाइप, ओके। डेटा टाइप की डेफिनेशन से हमें अभी तक समझ में आ गया कि डेटा टाइप, जैसे मैंने a इज इक्वल्स टू 10.5 किया है,
ओके तो 10.5 क्या है, ये एक फ्लोट वैल्यू है, राइट right? ओके तो अब हमारी जो पाइथन है वो क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो हमें उसका डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। रन करोगे जब आप अपनी प्रोग्राम को तो ऑटोमेटिकली इसका जो डेटा टाइप होगा वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ओके सो ये चीज हमने अभी देखी डेटा टाइप की डेफिनेशन के अंदर, अभी हमने इसके टाइप देखे। तो चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर डेटा टाइप की। ओके जैसे हमने यहाँ पर वन नंबर क्या पढ़ा, नंबर। ओके सो नंबर के अंदर हमारे पास आता है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बूलियन। ओके सो क्या है इंटीजर, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, बूल, ये क्या होते हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर इनको डिफाइन कर दिया कि इनका क्या मतलब है। यहाँ पर देखो बेटा, मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर क्या लिखा है, ए इज इक्वल्स टू 10। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि जो मेरा ए है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। 10 क्या है, इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है। देखो अब जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं इंटीजर फ्लोट क्या होता है, तो मैं इनको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, हमारी प्लस में आए या फिर माइनस में आए, ओके वो वैल्यूज हमारी क्या होती है, इंटीजर वैल्यूज होती है। बट इसमें क्या होता है कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट यूज नहीं करना होता है, मतलब पॉइंट के बिना वाली वैल्यू, इधर इट कैन बी इन प्लस वैल्यू और अ माइनस वैल्यू, बट इसके साथ पॉइंट नहीं है, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड अ इंटीजर वैल्यू। अगर यहीं पर मैं अगर आपके सामने 10.5 लिखती हूँ, सो दैट इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, फ्लोट की वैल्यू जिसके साथ पॉइंट जुड़ा होता है। ओके सो अगर मैं यहीं पर 5.6 लिखती हूँ तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लोट वैल्यू, करेक्ट। अगर मैं ओनली 5 लिखती हूँ तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इट इज एन इंटीजर वैल्यू, फाइन। अगर मैं माइनस कर दूँ सो इट इज ऑल्सो एन इंटीजर वैल्यू, फाइन। सो हमारी इंटीजर वैल्यू 0 से लेके सारे जो नंबर आते हैं जिनमें जिनके अंदर हम लोग क्या है पॉइंट यूज नहीं करते, वो हमारी इंटीजर वैल्यूज होती हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पर पॉइंट के साथ वैल्यू को लिखूं, सो इसका मतलब है कि इसका जो टाइप है वो कौन सी क्लास का है, फ्लोट टाइप का है। ओके सो जब भी बात होती है ट्रू या फॉल्स की, तो इसका मतलब हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप की बात करते हैं जो कि है बूलियन। ओके सो जो हमारा बूलियन डेटा टाइप है वो क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, दो ही वैल्यू के अंदर बात करता है। ओके आपने ट्रू ट्रू फॉल्स के साथ आपने इफ कंडीशंस किया होगा, ओके सो व्हाइल लूप किया होगा, ओके सो लूपिंग के अंदर भी जब हम कंडीशंस को चेक करते हैं, ओके तो उसके अंदर भी हमारे पास या तो आंसर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो उसके बेसिस पर हम रन करते हैं उस लूप को। ओके सो वही चीज यहाँ पर हमारे पास ट्रू या फॉल्स के अंदर जो डेटा टाइप आता है वो कौन सा होता है, बूल डेटा टाइप। We can say that it called a boolean data type, right? Okay. So ये false है, ये भी हमारे पास boolean data type है। अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास complex data type की। Okay. So complex data type basically क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक real number होता है, plus ये हमारे पास एक imaginary value होती है। ओके इमेजिनरी वैल्यू को यहाँ पर स्मॉल जे के साथ डिनोट किया जाता है। ओके सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सो अब देखो बेटा, अब मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख ली, इंटीजर लिख लिया, फ्लोट, बूलियन और कॉम्प्लेक्स। ओके सो ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं 6 नंबर लाइन में बेटा क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने किया टाइप और ए। ओके सो मेरे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक टाइप फंक्शन होता है, ठीक है। सो टाइप फंक्शन क्या करता है, बेसिकली जिस भी वेरिएबल की क्लास आप जानना चाहते हो उसके साथ आप टाइप फंक्शन का यूज करो, उसके पैराथिनसिस के अंदर आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को पुट करते हैं तो क्या होता है, वो उसकी क्लास शो कर देता है कि ये किस क्लास का, इंटीजर टाइप का। जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया कि ये क्या है, इंटीजर है। तो अब टाइप मेथड के थ्रू जब मैं इसकी क्लास को जान रही हूँ तो ये कौन सी क्लास का है, इंटीजर क्लास का है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं टाइप फंक्शन का यूज करती हूँ, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया टाइप फंक्शन को और इसके पैराथिनसिस में बी डाल दिया। ओके सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब कि अब इसका टाइप क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया पॉइंट की वैल्यू आती है तो इसका मतलब हम फ्लोट के बारे में बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहां पर टाइप मेथड को कॉल किया, अब इसकी क्लास मुझे पता चल गई, दैट इज व्हाट, दैट इज अ फ्लोट टाइप क्लास। ओके सो अब मैं सी और डी को, जब मैं डी के टाइप को नोट कर रही हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहां पर मुझे ये शो कर रहा है कि ये बूल टाइप का है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो ट्रू या फॉल्स के अंदर जो वैल्यू आती है उनका जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, बूलियन टाइप का होता है।
ठीक है, तो यहां मैंने आपको ट्रू भी किया और फॉल्स भी किया। एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल टी होना चाहिए और कैपिटल एफ होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड अवर बूलियन डेटा टाइप, और वी कैन से दैट बूल ऑल्सो। ओके, जैसे यहां पर आपके पास है बूल। ओके, सो चलिए अब हम यहां पर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की क्लास को जानते हैं कि मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को मैंने यहां पर डिक्लेयर किया। ओके, सो ये मेरे पास क्या है, एक रियल वैल्यू आ गई और उसके साथ एक इमेजिनरी वैल्यू स्मॉल जे के साथ डिनोट हो रही है। तो अब जब मैंने इसकी क्लास को जाना कि क्या कौन सी क्लास है, तो इसने मुझे क्या बताया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्लास। ओके, सो देखो टाइप मेथड हमने सीखा कि जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू की क्लास को हम जान सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अवर टाइप मेथड। तो यहां पर हमने हमारे जो भी नंबर डेटा टाइप थे उनको डिस्कस किया, ठीक है, नंबर डेटा टाइप को। फाइन, सो अब यहां पर जो बूलियन है, सॉरी जो बूलियन नहीं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ओके, तो उसको थोड़ा सा और यहां पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। उसके साथ कुछ ऑपरेशंस हैं जो मैंने यहां पर परफॉर्म किए हैं, जैसे प्लस करके देख लिया या माइनस करके देख लिया कि यहां पर किस तरह से ये मुझे रिजल्ट शो करता है। ओके, तो यहां पर वन नंबर लाइन में मैंने क्या लिखा है, ए की वैल्यू 90.8 जे। ओके, सो दिस इज जे इज नॉट टू द इमेजिनरी वैल्यू, गॉट इट। सो नाउ वी आर हैविंग हियर इन द सेकंड नंबर लाइन व्हाट बी इज इक्वल्स टू, दोनों की दोनों ये क्या है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो मैंने सोचा चलो इनका ऐड करते हैं। तो अभी जब मैंने इनका ऐड किया तो इसने नॉर्मली मुझे जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना था, जो नॉर्मल हम एडिशन में करते हैं, वो किया। साथ ही साथ इसने मुझे जे, मतलब ये जो इसकी इमेजिनरी वैल्यू है, उसको भी मुझे यहाँ पर शो करके दिखाया। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो अब यहाँ पर बेटा देखो, मैंने सिर्फ पता करना है कि मेरा रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो देखो ए डॉट रियल किया, सो मुझे क्या मिला, मेरा इमेजिनरी नंबर मिला। अब मैं सॉरी रियल नंबर मिला, अब मैं चाह रही हूँ इमेजिनरी, सो मुझे इमेजिनरी नंबर यहाँ पर मिल रहा है कि 89 इज योर इमेजिनरी एंड 90 कौन सा है, मेरा रियल पार्ट का नंबर है। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टीज है इसका यूज करके आप अपनी इमेजिनरी और रियल दोनों वैल्यूज को अलग अलग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ और चीजें करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा जो इंटीजर है वो कौन सा है हमारे पास, जो कि बिना फ्रैक्शनल पार्ट के आए, मतलब पॉइंट की वैल्यू जिसमें नहीं आती है। देन वी टॉक अबाउट फ्लोट हेयर, फ्लोट इज यूज टू स्टोर द फ्लोटिंग नंबर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो फ्लोट है वो कैसे यूज होता है, पॉइंट की वैल्यू के साथ यूज होता है ना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जिसके साथ भी हम पॉइंट लगा रहे हैं 5.9। सो इसका क्या मतलब है, दिस इज कॉल्ड वॉट, अ फ्लोट नंबर। ओके, सो डबल भी हमारा होता है, डबल पर इसके अंदर हम यूज नहीं करते, हम लोग फ्लोट यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम कॉम्प्लेक्स की जब बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शो होंगे, जो कि रियल और इमेजिनरी वैल्यूज के साथ होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा कि किस तरीके से कौन कौन सी वैल्यूज है जो हमारी इंटीजर है, कौन कौन सी वैल्यूज है जो हमारी इंटीजर्स हैं, कौन कौन सी वैल्यूज है जो हमारी फ्लोट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, सो अब देखो टाइप मेथड जो हमने ऑलरेडी अभी एग्जांपल कर ही लिया टाइप मेथड का। टाइप मेथड क्या होता है कि हम लोगों को रिटर्न करता है उस वेरिएबल का टाइप। ओके, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, अभी हमने इसको यूज़ किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब मैं टाइप मेथड को यूज़ कर रही थी तो ये मुझे क्या कर रहा था, मेरे पास उस जो वेरिएबल जो आप इसके पैराथिनसिस में दे रहे हो उसकी क्लास का टाइप मुझे यहाँ पर लाकर शो कर रहा था। ओके, सो उसकी क्लास को शो करने के लिए वी आर यूजिंग हेयर अ टाइप मेथड। इसकी डेफिनेशन की बात करें हम लोग, ओके, सो डेफिनेशन क्या कहती है, पाइथन प्रोवाइड्स अस द टाइप फंक्शन विच रिटर्न्स द टाइप ऑफ वेरिएबल पास्ट। ओके, जो भी हमने वेरिएबल पास किया है उसका टाइप हमें शो कर देगा, मतलब वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं कि मैंने सारे जो डेटा टाइप्स हैं उनको यहाँ पर एज ए
एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वॉक कर रहा है। जैसे मैंने ए के अंदर 10 डाला, ओके। सो अब मैं जब इसका टाइप जानने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, तो ये मुझे क्या बता रहा है, कौन सी क्लास का, ये इंटीजर टाइप का है, जो हमने अभी एग्जाम्पल कर ही लिया इसका, ठीक है। नाउ फर्दर अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स के अंदर 20.456 डाल रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इसका टाइप नोट किया तो इसने मुझे कौन सा टाइप बताया, एक्स, एक्स के अंदर कौन सा, दैट इज अ फ्लोट क्लास, ओके। सो टाइप मेथड के थ्रू मैंने उस वैल्यू की क्लास को जान लिया, जो वेरिएबल है उसकी क्लास कौन सी है ये मुझे पता चल गई। सो आपको पहली लाइन में मैंने बताया था कि जो हमारी पाइथन है वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं शो करते हैं, कि हम लोग यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं लगाते, हम लोग ऐसे नहीं लिखते कि हमें इंटीजर लेना है तो इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू 5, ओके। सो ये हम सी प्लस प्लस या फिर जावा के अंदर करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कोई डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर करते हैं, कहाँ पर, जब हम लोग कोड लिखते हैं। ये डेटा टाइप क्या होता है, ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है डायनेमिकली जब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, ओके। तो देखो बेटा, अब देखो, अब मैंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं कि क्या ये पॉसिबल है एक्स के अंदर 30xyz डाल रहे हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। कैसे हो सकता है पॉसिबल कि हम लोग 30a डालें, सो इट्स नॉट पॉसिबल ना, कि ये कोई वैल्यू ही नहीं होती, फाइन। सो दैट्स वाई इसने मुझे एक सिंटेक्स एरर यहाँ पर शो कर दिया कि ये जो है सिंटेक्स ये वैलिड नहीं है, ऑब्वियसली ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए कि चलो y 3k हो सकता है, नो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे एक सिंटेक्स एरर प्रोवाइड हुई। आप सॉरी बेटा, अगर मैं अब चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ 4 इज इक्वल्स टू 2f, अब देखो यहाँ ये चीज़ तो करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। हम वेरिएबल किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं ले सकते। जैसे आप लोगों ने मेरी टोकन्स की क्लास देखी होगी, है ना, तो आप अगर नहीं देखी तो प्लीज़ चेक आउट माई टोकन क्लास, ओके। सो इसी के अंदर ही मैंने यहाँ पर टोकन क्लास भी डाल रखी है, तो आप चैनल पर जाएंगे और वहाँ वीडियोस में सर्च करना टोकन्स इन पाइथन, ओके। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर जितने भी रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के, वो सारे रूल्स मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो उसमें से एक जो रूल ये है कि हम लोग अपने वेरिएबल को किसी भी न्यूमेरिक डेटा से स्टार्ट नहीं कर सकते, ओके। वी कैन राइट लाइक दैट R4, ओके। सो दिस इज अ करेक्ट टाइप, बट 4R is not a correct type. So we can say that we cannot start our identifier or variable with numerical value. ओके, सो इसलिए इसने मुझे यहाँ पर एरर शो किया कि कैन नॉट असाइन टू द लिटरल, ओके। सो अब इस तरीके से हम यहाँ पर 2f है जो मेरी स्ट्रिंग, वो हम असाइन नहीं कर सकते, ये हमारे पास एरर आ गया, ओके। सो चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट अब मैं क्या कर रही हूँ, डी लिया, सो अल्फाबेट्स आ सकते हैं, ओके। सो हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप यहाँ पर अल्फाबेट्स को दे सकते हो, ओके, करेक्ट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अल्फाबेट्स मतलब अल्फाबेट्स में एज ए वेरिएबल नेम ले सकती हूँ, जैसे हम करते हैं ए इज इक्वल्स टू 10, सो इट इज करेक्ट। अगर मैं करूँ 10 इज इक्वल्स टू ए, सो दैट्स नॉट करेक्ट, ओके। सो दिस इज द रॉन्ग वे एंड दिस इज अ करेक्ट वे, करेक्ट, ओके। तो देखो बेटा, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी इज इक्वल्स टू 2j, ओके। सो दिस इज वॉट एग्जैक्टली, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये मेरी एक स्ट्रिंग है ना कि वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर पजल मत होना कि ये मैंने यहाँ पर तो रॉन्ग कर दिया, सिंटेक्स एरर, और यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। अगर मैं ये सेम चीज को यहाँ पर डबल कोट में लिखती हूँ तो मुझे एरर नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इसको बिना डबल कोट के लिखती हूँ तब मुझे यहाँ पर भी एरर शो होगी, ओके। सो दैट मींस ये मेरी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, ना कि वैल्यू की तरह, 2j, ओके। सो दिस इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन देयर। तो चलिए अब इसको थोड़ा रब करते हैं और फिर देखते हैं, ओके। सो अब देखो, जब मैंने इसकी क्लास जानी कि ये कौन सी क्लास का है, मतलब 2j, कि मैंने इसके अंदर कैरेक्टर भी डाल दिया और मैंने क्या किया, इसके अंदर इंटीजर भी डाल दिया। अब मैंने जब इसकी क्लास को नोट किया तो इसने मुझे क्या बताया कि इसकी क्लास कौन सी है, str, दैट मीन्स इट इज़ ए स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, गॉट इट। अगर मैं यहीं पर 2 डालती तो उस टाइम पर ये मुझे क्या दिखाता कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर मैं 2.5 डालती तो क्लास कौन सी होती,
यहाँ पर मेरे पास फ्लोट क्लास होती, और अगर मैंने इसे 2.5 को या एक्स वाई जेड कुछ भी है उसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिख दिया, तो अब उसकी क्लास कौन सी हो जाएगी? स्ट्रिंग टाइप की क्लास हो जाएगी. ओके, सो इट इज सो मच सिंपल हेयर. सो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बेटा, नम इज इक्वल्स टू 10 इज ग्रेटर देन 9. ओके, सो अब मैंने क्या किया, 10 इज ग्रेटर देन 9. सो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ एक तरीके से कंपैरिजन कर रही हूँ. सो यू नो दैट कंपैरिजन जब भी होता है तो हमें या तो आंसर ट्रू मिलता है और या फिर आंसर फॉल्स मिलता है. ओके, सो दोनों में से एक आंसर हम लोगों को यहाँ पर शो होता है. सो अब यहाँ पर देखो, एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैं कंपैरिजन करवा रही हूँ. इज 10 ग्रेटर देन 9? ओ नो, यस एग्जैक्टली इट इज ग्रेटर देन 9. ओके, सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि कौन सा रिजल्ट मिलेगा, ट्रू और फॉल्स? यस, हमें इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा. अब मैंने जब इसकी क्लास को पूछा कि इसकी क्लास कौन सी है टाइप मेथड के थ्रू, सो मुझे इसका क्लास का टाइप कौन सा मिला, बूल टाइप. दैट मींस इट इज अ बूलियन टाइप. ओके, सो जब मैंने इसको प्रिंट कराया, एक्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने यहाँ पर दे रखा है. सो कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं सिंगल कैरेक्टर देती हूँ और अगर मैं एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग देती हूँ तो दोनों का जो डेटा टाइप आएगा वो सेम आएगा. कौन सा? एसटीआर टाइप. ओके, सो यहाँ पर कोई कैर या फिर कोई स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, दैट इज स्ट्रिंग. ओके, सो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने नम की वैल्यू को नोट किया कि नम की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर. ओके, सो देखो नम की वैल्यू यहाँ पर ट्रू आ रही है. तो कैसे आई? क्योंकि नम हमने यहाँ पर यूज किया था. नम 10 is greater than 9, the condition is true. So we are going to print it here only. मैंने num को यहाँ print किया, इसने मुझे क्या result दिया? True result दिया. क्योंकि जो हमारा 10 है वो greater than ही तो है 9 से. Okay, जो भी हमारे ये जो greater than, less than, greater than equals to, less than equals to, okay, double equals to and not equals to. Okay, so ये जो सारे हैं ये हमें दो ही values के अंदर result को represent कराते हैं, either it can be true or false. Okay, so उसी basis पर अब जब मैंने num को print किया, so my expected answer is what? That is true. So जो आ रहा है यहाँ पर. Okay, so I hope that is understandable for you. So now let's talk about here some sequence data types. Okay, so there are types of sequence, that is list, dictionary, tuple and we can say that string. Okay, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर. सो अब यहाँ पर मैंने एक ही साथ यहाँ पर लिस्ट, ट्यूपल एंड स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी को यहाँ पर लिख दिया. इनकी जो सबसे अच्छी चीज़, जो आपको जो सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली चीज़ है वो इनके साइन है. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर फैमिलियर विद ऑल दीज सिंबल्स. ओके, ये जो साइन है इनके साथ आप फैमिलियर हो. ओके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार ऐसा भी आ जाता है कि आपको चार पाँच साइन दे रखे होते हैं. वी कैन से दैट ये वाला साइन, ओके, ट्यूपल का साइन, स्ट्रिंग का साइन एंड डिक्शनरी का साइन. ओके, तो आपको साइन इस टाइप से दिए होंगे और फिर आपसे पूछ लेगा कि इन चारों साइंस में से स्ट्रिंग का साइन कौन सा है या फिर लिस्ट का साइन कौन सा है, ट्यूपल का कौन सा है. सो आपको उस टाइम पर टिक करना होता है. तो एक या आधे नंबर का मार्क्स का आता है ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन. सो मेक श्योर कि आपको ये, आप इस चीज से फैमिलियर हो. ओके, सो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मेरी होती है लिस्ट. ओके, तो लिस्ट को वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, ट्वेल्थ क्लास के अंदर ही, ट्वेल्थ के इसी के अंदर ही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको. ओके, तो आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. फाइन, तो अब यहाँ पर ट्यूपल, ट्यूपल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये लिस्ट है, ट्यूपल है, स्ट्रिंग है या डिक्शनरी है, इसको हम, इसके हम डीप में नहीं जाएंगे, इनका ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे. जो मेन चीज़ है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन जब हमें अगर डीप में जाना है तो इनके ऊपर हम अलग अलग क्लासेस लेंगे. ओके, सो तो चलिए अब यहाँ पर लिस्ट के ऊपर तो वैसे ऑलरेडी मेरी क्लास हो चुकी है. ओके, सो चलिए तो अब मेरी यहाँ पर लिस्ट है. लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ वैल्यूज को डाल रखा है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो न्यूमेरिकल डेटा है मेरा यहाँ पर लिस्ट के अंदर. सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेके देख ली, फिर एक ट्यूपल लेके देख लिया. ओके, मिक्स्ड टाइप का एक डिक्शनरी यहाँ पर लेके देख ली. ओके, सो अगर आप लिस्ट, स्ट्रिंग, ट्यूपल या डिक्शनरी से पहली बार यहाँ पर आप इनको देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा डेटा क्या है, एक तो सिक्वेंस के अंदर स्टोर होता है
सिक्वेंस के अंदर हम अपने डेटा को यहाँ पर स्टोर करते हैं। सिक्वेंस से क्या मतलब है कि ये मान लो मेरा इंडेक्स है, तो अब जो भी वैल्यूज मैंने यहाँ डाली है 1, 2, 3, 4 या कुछ भी 5 में डाल रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्सिंग होगी। ये चीज़ मेरी 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है और ये 4 नंबर इंडेक्स पर है। वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर भी, अभी देखो हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, सिक्वेंस डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होती आती है वो इस तरीके के सिक्वेंस से आती है कि जहाँ पर हमारी इंडेक्सिंग होती है स्टार्ट 0 to टिल दैट नंबर। ओके, जहाँ तक उसकी लास्ट पोजिशन है वहाँ तक। ओके, तो देखो बेटा अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास लिस्ट आ गई, मैंने स्ट्रिंग कर दी, तो स्ट्रिंग का ये जो L लिखा है दैट इज ऑन द 0 नंबर इंडेक्स, नेक्स्ट 1, देन 2, देन 3, 4, 5। ओके, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी यहाँ पर। ओके, तो ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें होंगी, इनका जो साइन है ना ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, अगर साइन आपको अच्छे से कवर हो गए सो दैट मीन्स कि आपने हाफ पार्ट है जो इनका कवर कर लिया। ओके, तो देखो अब यहाँ पर डिक्शनरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिक्शनरी क्या होती है यहाँ पर कि इसके साथ यहाँ पर ये जो सेक्शन होता है कोलन से लेफ्ट साइड वाला, तो ये होता है की का सेक्शन कि यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं किससे, की से। और ये जो सेक्शन होता है ये हमारी वैल्यू का सेक्शन होता है। ओके, सो वी कैन से दैट की आती है हमारी, देन कॉलन, और फिर हमारी आती है वैल्यूज। ओके, सो बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट पर वॉक करते हैं व्हेन वी आर डूइंग वॉक विद द डिक्शनरी। ओके, सो अब यहाँ पर देखो की आई उसके साथ वैल्यू, की आई उसके साथ वैल्यू। अब अगर मुझे यहाँ पर डिक्शनरी में से इस डेटा के साथ कोई वॉक है, इफ़ आई वॉन्ट टू डू वॉक विद 367, ओके, सो दैट मीन्स मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक को है ये जो की वैल्यूज है। ओके, सो मुझे इसके साथ क्या है वॉक करना पड़ेगा। ओके, सो मुझे इसके साथ यहाँ पर वॉक करना पड़ेगा, फाइन। ओके, तो इसके थ्रू मैं अपनी वैल्यू को यहाँ से फैच कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फैच द की। अब की के थ्रू ही हम वैल्यू तक पहुंचेंगे, इट इज। ओके, सो ये होती है हमारी डिक्शनरी। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि हम सिर्फ इनका ओवरव्यू देखेंगे, हम इनको डीप में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो ये डीप की वैल्यू, डीप में मैं आप हम इस ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ पर डिक्शनरी को कंप्लीट कर लिया। ओके, सो डिक्शनरी को अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया, हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू देखा है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल डिक्शनरी का एग्जांपल लो तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर मुझे उन वर्ड्स को फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, एक पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे फाइंड करते हो? नो ना, आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कीज के थ्रू उसको फाइंड करते हो। ओके, सो कीज के थ्रू उसको जब आप फाइंड करते हो तब जाके वो आपको जो वैल्यू होती है, जो चीज़ आप स्पेलिंग है फाइंड करना चाहते हो, तब जाके वो आपको फाइंड होती है। ओके, सो एग्जैक्टली इन द सेम वे इफ वी आर डूइंग वर्क विद द डिक्शनरी इन द प्रोग्रामिंग, सो थ्रू दैट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैच द की। ओके, अगर आपको फैच करनी है वैल्यू, वैल्यू को फैच करने के लिए पहले आपको की को फैच करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप वर्क कर सकते हो कीज के साथ में। ओके, सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। ओके, सो ये एक ओवरव्यू हो गया हमारा लिस्ट, स्ट्रिंग और ट्यूपल का। ओके, डिक्लेरेशन पार्ट वी कैन से दैट कि डिक्लेरेशन का पार्ट है जो हम वो किस तरीके से करते हैं। अब नॉर्मली सिंपल मैं यहाँ पर इनको प्रिंट करा रही हूँ। मैंने जब अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया तो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, यस इट वाज द एक्सपेक्टेड आउटपुट कि हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी जो भी मेरी लिस्ट में थी, ठीक है। फिर जब मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कराया तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। जब ट्यूपल को मैंने प्रिंट कराया तो सेम एज जो भी हमने यहाँ पर इनपुट दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, सो बेसिकली जो इसके साइन है उनको यहाँ पर अच्छे से कवर करने की जरूरत है। ओके, सो तो चलिए अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं लिस्ट के साथ और डिक्शनरी ट्यूपल के साथ में। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक FST नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसमें मैं ये जो यहाँ पर लिख रही हूँ, अब आपको देखने से ही पता चलना चाहिए कि ये क्या है, ये ट्यूपल है, लिस्ट है या स्ट्रिंग है या डिक्शनरी है। तो हम लोग लिस्ट के लिए ये साइन यूज करते हैं बिग ब्रैकेट्स का। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस इज अ लिस्ट। सो हमारे पास जैसे कि आपको पता है टाइप मेथड होता है,
टाइप मेथड का हम यूज किस लिए करते हैं? हम लोग अपने डेटा टाइप के टाइप को जानने के लिए, उसकी क्लास के टाइप को जानने के लिए हम लोग टाइप मेथड का यूज करते हैं। जैसे अभी तक हमने फ्लोट के साथ किया, स्ट्रिंग के साथ किया, इंटीजर के साथ किया, करेक्ट? तो यहां पर एग्जैक्टली वैसे ही अगर मुझे मेरी लिस्ट का टाइप जानना है, फॉर दैट आई एम यूजिंग हियर टाइप मेथड। टाइप के पैराथिनसिस में आप उस लिस्ट को डाल दो या उस वेरिएबल को डालो जिसका टाइप आपको नोन करना है, जिसका टाइप आपको जानना है, फाइन। सो जब मैंने इसको यहां पर प्रिंट किया, सो यू कैन सी हियर ब्लू कैरेक्टर्स में, ब्लू लाइन के अंदर ये मेरे पास इसने क्या बताया, क्लास लिस्ट, यानी कि इसकी जो क्लास है वो क्या है, लिस्ट है। ओके, सो वैसे ही अब इसको आगे लेके चलते हैं। आगे यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेकंड नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस में डेटा रखा है। सो अब जब मैंने इसका टाइप जाना कि कौन सा टाइप है, तो इसने मुझे क्या बताया कि इसका टाइप क्या है, यहाँ पर लिस्ट टाइप का है। ओके, सो वी कैन से दैट ये हो गई हमारी लिस्ट, ये भी हमारी लिस्ट हो गई। ओके, सो अब मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया सेकेंड, और उसके अंदर यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके कुछ वैल्यूज को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। ओके, सो बेसिकली ये एक चीज क्या हो रही है, एक्चुअली में ये हमारे सेट होते हैं। ओके, सो जो सेट आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ओके, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, सो डोंट वरी, क्योंकि ये जो सेट है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम इनको यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे हमारी जो डिक्शनरी होती है उसका भी जो कर्ली ब्रैकेट से हम उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो डिक्शनरी के अंदर मेन चीज क्या होती है, हमारी की होती है, कॉलन होता है, देन उसके बाद हमारी वैल्यू आती है। बट वहीं अगर हम सेट की बात करें तो यहाँ सिर्फ इनका जो साइन है, जो सिंबल है, वो सेम है, बाकी का कंटेंट इनका अलग अलग है। ओके, सो यहां पर मेरे पास 10, 20, 30, 40 एक नॉर्मल सीक्वेंस की वैल्यू आ रही है जो कि बिना कीज के है, सिर्फ यहां पर हमारे पास वैल्यू है। तो जब मैंने इसका टाइप जाना कि टाइप कौन सा है, तो यहां पर मेरे पास क्लास आई, दैट इज व्हाट, दैट इज सेट क्लास। ओके, सो नाउ हियर थर्ड में मैंने कुछ वैल्यूज डाली यहाँ में, तो ये मेरी जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर 10, 20, 30, 40, ओके, सो बेसिकली जब मैंने इसको टाइप मेथड के अंदर डाला तो मेरे पास टाइप क्या आना चाहिए, ट्यूपल टाइप आना चाहिए। ओके, सो इसका टाइप क्या है, यहाँ पर इसका टाइप है ट्यूपल। आपको अगर देखने से पता करना है कि कैसे, तो आपको इसके साइन है जो उसको याद रखना पड़ेगा। ये साइन किसके लिए आता है, हमारा ट्यूपल्स के लिए आता है, ठीक है? और हमारा लिस्ट का साइन होता है ये जो बिग ब्रैकेट्स है, ये हमारे लिस्ट का टाइप हो गया, करेक्ट? ओके, तो देखो अब मैंने यहां पर क्या किया, str और मैंने कुछ एक स्ट्रिंग डाल दी, जैसा कि मुझे देखने से पता चल रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रिंग हेयर, राइट? लेकिन मैं यहां पर टाइप मेथड का यूज कर रही हूं और मैं देख रही हूं कि इस जो मेरी लिस्ट है, जो भी मैंने str के अंदर जो भी मैंने वैल्यू डाली है, दैट इज अ स्ट्रिंग टाइप। मैं इसका टाइप जानना चाहती हूं, ओके, तो मैंने वही चीज किया, टाइप के अंदर इसका मैंने str को डाला, तो अब देखो इसका जो मुझे टाइप आ रहा है क्या आ रहा है, str टाइप आ रहा है। ओके, तो देखो अब हम ये नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, str लिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, या तो स्ट्रिंग के लिए आप डबल कोट्स का यूज करो या फिर सिंगल कोट्स का यूज करो, जो भी चीज आप इनके अंदर लिखते हो वो कौन से टाइप की होती है, हमारी स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर str टाइप है, करेक्ट? ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आपने फोर लूप किया होगा या अगर नहीं भी किया होगा, तो रेंज मेथड होता है जो हमारा, हम लोग बेसिकली इसको फोर लूप के अंदर यूज करते हैं। ओके, सो रेंज मेथड हमारा क्या कहता है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेंज मेथड को कॉल किया है, ठीक है? रेंज मेथड को यूज किया और इसके अंदर मैंने 10 डाल दिया। ओके, सो जब मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है, रेंज हमारी 0 से 10। ओके, सो ये एक नॉर्मल चीज है यहाँ पर हमारे रेंज मेथड की, कि अगर मैं यहाँ पर रेंज के अंदर मान लो रेंज और मैंने 20 डाला, ओके, सो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ये मुझे क्या बताएगा, 0 से 20 यहाँ पर मुझे वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। ओके, सो नाउ हेयर मैं लिस्ट और लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर इस रेंज मेथड को यूज किया है। यहाँ पर तो हमने सीखा देखा कि रेंज मेथड बेसिकली कैसे वर्क करता है। ओके, सो मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पर रेंज मेथड हमने फिनिश कर लिया है, इसका जो बेसिक जो यूज होगा, जो पर्पस होगा, वो हमें फोर लूप के अंदर अच्छे से ज्यादा हमें दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको एग्जाम्पल के लिए लिया है कि रेंज 10, तो अब रेंज 10 मीन्स वी टॉक अबाउट 0 to 10। ओके, तो देखो अब मैंने लिस्ट के अंदर इसके जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर मैंने यहां पर लिस्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, रेंज
0.5। तो अब मेरे पास एक लिस्ट आ रही है जो 0 से लेके 4 तक है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट है उसके अंदर, 5 है, जो कि 0 से 4 है। ठीक है, तो टोटल 5 एलिमेंट मुझे यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लोगे उससे एक कम, यानी कि 0 से 4 तक इसने मुझे प्रिंट करा दिया। अगर मैं यही सेम चीज़, अगर मैं यही जो सेम चीज़ है मेरी रेंज और 0, मैं मान लो 10 लिखती हूँ, तो अब मुझे लिस्ट में यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, 0 से टिल 9 तक की वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखेंगी। अगर मैं यहाँ पर 100 करती हूँ, सो मुझे मेरी लिस्ट में क्या दिखेगा, 0 से 99 तक के एलिमेंट मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, सो चलिए अब मैंने रेंज मेथड का यूज़ किया फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट के साथ। सो सेम क्या मैं इसको ट्यूपल के साथ यूज़ कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, यस वी कैन यूज़ इट विद द ट्यूपल टू। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रेंज 2-6। ओके, सो अब देखो जब मैंने इसका टाइप नोन किया तो मेरे पास टाइप क्या आ रहा है, इसका कौन सा टाइप है, ये मेरे पास ये क्लास रेंज ये मुझे बता रहा है। ओके, क्लास कौन सी बता रहा है, रेंज बता रहा है। जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो वो ही 2 से 5 तक मुझे यहाँ पर ये प्रिंट करा देगा। ओके, तो जब मैं यहाँ पर इसकी क्लास को जानूंगी कि कौन सी क्लास है, तो क्लास रेंज मुझे यहाँ पर ये बता देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग। ओके, सो चलिए अब हम अगर अपने डेटा टाइप को अगर हम सीक्वेंस में ना डिवाइड करें, तो अगर हम एक और तरीके से यहाँ पर अपने डेटा टाइप को जान सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ म्यूटेबल एंड द इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, अगर मैं बोलूँ कि इम्यूटेबल, सो दैट मीन्स इट इज़ अ ट्यूपल स्ट्रिंग। ओके, नंबर्स, नंबर्स के अंदर हमारे पास आते हैं इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया। ओके, सो ये हो गए सारे इम्यूटेबल, दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। और जहां हम म्यूटेबल की बात करेंगे तो वहां हमारे पास आता है लिस्ट और डिक्शनरी। ओके, बेसिकली एक और टाइप होता है जैसे सेट होता है, सेट भी हमारा म्यूटेबल होता है यहाँ पर। फाइन, सेट को भी हम म्यूटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, बट सेट आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है। ओके, सो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है जो हमें जानने की ज़रूरत है वो ये कि हमारा डेटा टाइप है जो पाइथन के अंदर, दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। अगर मैं इनको म्यूटेबल या इम्यूटेबल की कैटेगरी में डिवाइड करूँ तो ये जो सेक्शन है डिक्शनरी और लिस्ट, ये आते हैं हमारे म्यूटेबल, मीन्स ये हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल ये जो कैटेगरी है, ठीक है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए अब हम इनको देख लेते हैं आगे कि म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। बेसिकली जो क्वेश्चंस ज़्यादा उठ के आते हैं वो यहीं से उठ के आते हैं, और बच्चों को कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर ही होती है। ओके, तो देखो अब हमारा जो म्यूटेबल है, दैट मीन्स कि हम ये चेंज कर सकते हैं, ये क्या, चेंजेबल है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आती है लिस्ट और हमारी आती है डिक्शनरी। सो बोथ आर म्यूटेबल, दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इम्यूटेबल, सो दैट मीन्स इट इज़ अनचेंजेबल। ओके, सो हेयर वी टॉक अबाउट इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बूलियन। ओके, सो ट्यूपल भी यहाँ पर आता है, मैंने ट्यूपल नहीं लिखा है, लेकिन ट्यूपल इज ऑल्सो अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, तो हमने अब इनको 2 कैटेगरी में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन अब इनको प्रूफ किस तरीके से करेंगे कि कौन सा म्यूटेबल और कौन सा इम्यूटेबल है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए अब हम यहां पर एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए के अंदर 5 है, सो ए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यहां पर क्या है, अगर मैं ए को टाइप करूं, टाइप मेथड के अंदर लिखूं कि ए का टाइप क्या है, तो ए का टाइप क्या आएगा बेटा यहां पर, दैट इज इंटीजर क्लास। ए मेरा क्या है, इंटीजर क्लास का है, अभी तक ये हमने यहां पर जान लिया। अगर मैं यहीं पर लिखूं 5.0, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ फ्लोट टाइप वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली म्यूटेबल और इम्यूटेबल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ इट इज डूइंग वर्क। ओके, सो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 5 ली, और मैं अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रिंट ए मेमोरी एड्रेस। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको प्रिंट करा रही हूँ, और ये कि मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर मैसेज दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आईडी मेथड को कॉल कर रही हूँ। ओके, सो अगर आप न्यू हैं, आईडी मेथड आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको बता दूँ कि आईडी मेथड क्या करता है, हमें उस वेरिएबल की जिसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसका मेमोरी एड्रेस हमें प्रोवाइड करवाता है। ओके, और एक चीज़ जो इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसका जो रिटर्न टाइप
टाइप होता है वो कौन सा होता है, इंटीजर टाइप का होता है. ओके, सो मेक श्योर दैट इट्स रिटन टाइप इज इंटीजर. कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंटीजर जो भी आईडी है उसका रिटन टाइप कौन सा होता है. ओके, सो चार पांच ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपको पूछेगा कि फ्लोट, इंटीजर या स्ट्रिंग. ओके, तो हमारा जो एड्रेस है यहाँ पर आईडी, ये हमें क्या रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है. ओके, सो मेमोरी में अगर कहीं आपने कहीं सुना है कि किसी भी कोई भी एड्रेस होता है वो 2.56, नो ना, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो हमेशा इंटीजर के अंदर होता है. तो दैट्स व्हाई ये जो आईडी मेथड है ये किसी भी वेरिएबल का हमें एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, और ये जो होता है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करता है. तो देखो अब यहाँ पर म्यूटेबल और इम्यूटेबल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ए में मैंने 5 पुट किया और मैं जब इसको प्रिंट करा रही हूँ तो क्या एक्सपेक्ट करती हूँ यहाँ पर. यस श्योर, मैं 5 ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और इसका जो एड्रेस है वो क्या है यहाँ पर 205 समथिंग. ओके, सो ये मेरे पीसी के अंदर यहाँ पर इसका एड्रेस है. मे बी आपके कंप्यूटर के अंदर ये डिफरेंट आ सके, ठीक है. सो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर एड्रेस आए वही आपके पास आए. ओके, दैट कैन बी वेरी. ओके, दैट कैन बी डिफरेंट. ओके, सो अब चलिए, अब यहाँ पर ए के अंदर मैं 5 डाल रही हूँ और मैं सिंपल नॉर्मल चीज जो मैंने अभी तक की वो कर रही हूँ. लेकिन अब हम समझते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट. यहाँ पर मैं 3 लाइन के अंदर क्या कर रही हूँ, बेसिकली ए के अंदर कुछ चेंजेस कर रही हूँ. ए की वैल्यू क्या थी, दैट वॉज 5. ओके, दैट वॉज वॉट, दैट वॉज 5. बट मैं चाह रही हूँ कि अब मैं ए की वैल्यू के अंदर कुछ चेंज करूँ और मैंने 5 के अंदर 3 को ऐड कर दिया. तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 8 आ रहा है, राइट. तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 8. ओके, तो देखो मैं अब इसमें क्या कर रही हूँ, बेसिकली चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ ना. जो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू थी, वैल्यू वॉज वॉट, वैल्यू वॉज 5. बट आई नीड टू चेंज हियर, मैं इसकी वैल्यू क्या है चेंज कर रही हूँ. आई वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू 5+3, मैं ये चीज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है. तो जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या आना चाहिए, 5 और 8 आना चाहिए. लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्विस्ट है वो क्या है कि जब मेरे पास ए की वैल्यू 5 थी और मैंने इसका मेमोरी एड्रेस यहाँ पर प्रिंट कराया तो मेरे पास कुछ ये मेमोरी एड्रेस आया, और वही जब मैंने ए के अंदर वैल्यू को चेंज किया और मैंने चाहा कि मैं इसका मेमोरी एड्रेस देखती हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक नया मेमोरी एड्रेस आया. तो इससे हम कह सकते हैं कि वैल्यू तो चेंज हो गई ए के अंदर, मतलब ए के अंदर 8 तो हो गया, लेकिन क्या किया उसने, उसको नई मेमोरी में वहाँ पर उसमें चेंजेस कर दिए. मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, ओरिजिनल कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. ओके, और जो चेंज हुआ है वो उसने एक नया ए नाम का वेरिएबल बना दिया और उसको नई मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कर दी. ओके, सो बेसिकली वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड अ इम्यूटेबल डेटा टाइप. ओके, तो चलिए अब हम म्यूटेबल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेते हैं. यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिस्ट लिया और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स, कुछ वैल्यूज को डाल दिया. ओके, सो वी नो दैट लिस्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर डिनोट करते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यूज को मैंने यहाँ पर डाला. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं कर रही हूँ अपनी लिस्ट को प्रिंट, और मैंने क्या किया, मेमोरी एड्रेस इज, और मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने इसकी लिस्ट की जो भी एड्रेस है मैं उसको जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेमोरी एड्रेस क्या है. तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये 5100128 मेरा मेमोरी एड्रेस मुझे प्रोवाइड हुआ. अब मैं बेसिकली देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड लाइन के अंदर मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा 2 नंबर लोकेशन पर जो भी एलिमेंट था, वॉट वॉज इट, इट वॉज 0, 1 and 2. ये जो है 2 नंबर इंडेक्स पर, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, चेंज कर दूँ. ओके, मैं चाह रही हूँ 3 की जगह अब आए मेरे पास 33. ओके, बेसिकली मुझे ये चाहिए अब. तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेंज ही तो कर रही हूँ उसकी वैल्यू के अंदर. ओके, सो चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे जैसे ही, और मैं जैसे ही इसका आईडी मतलब एड्रेस जानने की कोशिश करूँगी, सो व्हाट वी आर फाइंडिंग देयर कि मेरे पास ओरिजिनल एड्रेस आ रहा है. यहाँ पर जो मेरी लिस्ट हुई उसके अंदर जब मैंने यहाँ पर चेंजेस किया तो दोनों जो चेंजेस हुए, जो चेंज हुआ है जो ये ओरिजिनल लिस्ट के अंदर हुआ है. बेसिकली जब हमने पिछली बार यहाँ पर चेंज किया था, लेट मी रब इट.
सो जब मैं यहाँ पर चेंज कर रही थी तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने लिस्ट के अंदर चेंज करने की ट्राई किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर हो रहा है. ओके, सो दैट मीन्स इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, दैट इज पॉसिबल टू चेंज हेयर. ओके, मतलब कि यहाँ पर मेरी लिस्ट आई तो लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करवा रही हूँ, दैट इज 33 की 2 नंबर प्लेस पर मेरे पास 33 आ जाए. अब ये 2 क्या है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो भी इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3. ओके, सो अब मैं चाह रही हूँ कि 2 नंबर इंडेक्स पर क्या था, 3 था, उसकी जगह आ जाए 33. ओके, दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वॉन्ट हेयर. ओके, तो अब जो मैं इनका एड्रेस प्रिंट करा रही हूँ दोनों का, तो दोनों का एड्रेस क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर देखो मेरे पास ये वैल्यू है, इसका एड्रेस था ये, अब यहाँ पर चेंज की वैल्यू तो उसका एड्रेस देखो क्या आ रहा है ये. सो दोनों एड्रेस क्या आ रहे हैं मेरे पास, सेम आ रहे हैं. ओके, सो दैट मींस कि ओरिजिनल वैल्यू के अंदर चेंज हो चुका है. सो अब हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारे म्यूटेबल और इम्यूटेबल के जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है. यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लिस्ट ले ली, लिस्ट 1. ओके, सो यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लिस्ट 1 लेना है, इट इज़ जस्ट अ नेम. यहाँ पर नेम है वेरिएबल का, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, तो ये एक नाम है सिर्फ वेरिएबल का. यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जैसे आपको पता है ये 0 नंबर इंडेक्स है, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग हो रही है, करेक्ट. तो अब मैं चाह रही हूँ कि 2 नंबर इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है क्या पड़ा है बेसिकली, यस इट इज 3. ओके, सो मैं चाह रही हूँ उसकी जगह मैं 34 लेके आ जाऊँ. जब मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है. सो हमें पता है कि ये म्यूटेबल है, दैट मीन्स चेंज इज पॉसिबल हेयर. ओके, सो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसके साथ. जैसे मैंने सेक एग्जांपल लिया, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक लिस्ट के अंदर डाला और उसके सेकेंड एलिमेंट को चेंज कर दिया जो कि था 3, अब वो हो चुका है 34. अब मैंने सोचा कि चलिए अब करके देखते हैं स्ट्रिंग के साथ कुछ चेंजेस, स्ट्रिंग के वैल्यू के साथ कुछ चेंज करके देखते हैं, बिकॉज वी नो दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, सो चेंज नहीं हो सकता, बट वी शुड ट्राई टू डू. ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पर एस लिया, एस के अंदर एक स्ट्रिंग ली, बेसिकली मैंने अपना नाम ले लिया यहाँ पर. अब मैं चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चेंज किया था लिस्ट के अंदर, ओके, सो इन द सेम वे आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अब जो सेकेंड एलिमेंट मेरा यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर भी इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, ये आगे इस तरीके से मूव होगा. मैं चाह रही हूँ कि 2 नंबर इंडेक्स पर क्या पड़ा है, दैट इज वी. अब मैं चाह रही हूँ कि वी की जगह मेरे पास यहाँ पर एच आ जाए. ओके, सो जब मैंने इसको ट्राई किया तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रही है, व्हाट, दैट इज एसटीआर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. तो इस तरीके से हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप. ओके, सो अब हमें पता चल गया कॉन्सेप्ट म्यूटेबल का और इम्यूटेबल का. इसी को लिस्ट को जब हमने इंटीजर के साथ किया था, ओके, सो उस टाइम हमने देखा कि हाँ इंटीजर वैल्यू चेंज तो कर रहा है बट उस वैल्यू को वो अलग एड्रेस पे स्टोर कर रहा है. यहाँ पर लिस्ट के अंदर चेंज ओरिजिनल जो लिस्ट है उसी के अंदर पॉसिबल हो रहा है, जो हमने यहाँ पर इसके एड्रेस के थ्रू हमने यहाँ पर देख. सो बेसिकली जब मैंने इसी लिस्ट को यहाँ पर लिस्ट के अंदर चेंज किया था तो हमें इसके एड्रेस के थ्रू पता चल गया. एड्रेस क्या है, दोनों का सेम है, चेंज करने से पहले का और चेंज करने के बाद का एड्रेस क्या है, सेम है. सो दैट मींस इट इज म्यूटेबल, कि इसके अंदर हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है वही चेंज हुई है. वही हमने जब इसका एग्जांपल देखा इंटीजर के साथ तो यहां पर चेंज वाज पॉसिबल बट उसने क्या किया, एक नया ही एक क्रिएट कर दिया नए ही मेमोरी एड्रेस के ऊपर. ओके, सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल इम्यूटेबल का. अभी हमने इसको स्ट्रिंग के साथ भी यहाँ पर कवर कर लिया कि हमारी स्ट्रिंग थी यहाँ पर, इसके अंदर पॉसिबल मैंने करना चाहा कि इसके अंदर चेंज हो, सो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, देयर नो चेंज इज पॉसिबल. ओके, चेंज इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसको चेंज कर पाए इसकी वैल्यू को. ओके, सो ये जो कंसेप्ट है म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला, ये हमारा क्लियर हो गया है. अभी जब हम यहाँ पर ट्यूपल्स को करेंगे तो उसके साथ भी हम लोग देखेंगे ट्यूपल के साथ भी कि कैसे ट्यूपल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो इम्यूटेबल हैं और लिस्ट के अंदर म्यूटेबल हैं. ओके,
सो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप कास्टिंग की. ओके, सो टाइप कास्टिंग बेसिकली अगर मैं इसको डिवाइड करूँ दो कैटेगरी के अंदर, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. सो इम्प्लिसिट क्या है बेसिकली, दैट इज डन बाय डिफॉल्ट, और वी कैन से दैट ये डन होता है हमारे कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू. ओके, सो इसमें हम लोग कोई भी क्या है, हम जबरदस्ती किसी भी टाइप को चेंज नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट होता है. और वहीं अगर मैं एक्सप्लिसिट की बात करूं तो दैट इज डन बाय द प्रोग्रामर, दैट इज डन बाय द यूजर. ओके, सो फोर्सफुली ये जो एक्सप्लिसिट है फोर्सफुली इसको डन किया जाता है. ओके, और इम्प्लिसिट हमारा होता है उसको, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता, वो नेचुरली होता है. ओके, बाय डिफॉल्ट वी कैन से दैट. तो अभी हमने क्या किया, इसका ओवरव्यू यहाँ पर जान लिया कि ओवरव्यू क्या है इम्प्लिसिट का और एक्सप्लिसिट का. तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते हैं कि इम्प्लिसिट क्या हो गया और हमारा एक्सप्लिसिट क्या हो गया. ओके, तो देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, मैंने कुछ वैल्यू डाली, ए के अंदर 56 डाला और बी के अंदर ओके न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ मैंने फ्लोट की वैल्यूज डाल दी. ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या कर रही हूं, देखो सी के अंदर मैं ए प्लस बी कर रही हूं. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर कि मैं एक इंटीजर को और एक फ्लोट को दोनों को ऐड कर रही हूं, समझ रहे हो ना. मैंने क्या किया यहां पर, एक इंटीजर लिया और एक फ्लोट किया, दोनों को ऐड करने की ट्राई की. ओके, तो ये दोनों मेरे ऐड होके किसके अंदर आएंगे, सी के अंदर आएंगे. ओके, तो मैं इसको एम्प्लिसिट किस तरीके से बोलूंगी, अब देखो जैसे ही मैं सी को प्रिंट करूंगी तो मेरे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ इस टाइप से आना चाहिए जो मेरे पास आ गया है. लेकिन अब जो मेन बात वो ये कि जब मैंने ए का टाइप जाना तो ए का टाइप क्या था, दैट इज व्हाट, दिस इज क्लास इंटीजर. ओके, सो बी, बी का टाइप दैट इज व्हाट, दैट इज बिलोंग्स टू द क्लास फ्लोट. एग्जैक्टली, ओके, सो अब मेरे सी का टाइप यहाँ पर क्या है, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डन होगा कंपाइलर के थ्रू. ओके, सो इसको हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, और वी कैन से दैट इट इज डन बाय कंपाइलर, और हमारा इंटरप्रेटर इसको करता है इसके टाइप को. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज थी, एक तो थी इंटीजर के अंदर और दूसरी थी फ्लोट के अंदर. तो जब मैंने दोनों को ऐड किया तो उसका रिजल्ट किस फॉर्म में आना चाहिए, कौन सी क्लास में आना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है हमारे पास फ्लोट के अंदर. तो ये आज जो आया है ऑटोमेटिकली, मतलब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ऑटोमेटिकली आया, तो ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट. फाइन, तो वहीं अगर हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट की, तो एक्सप्लिसिट दैट मींस दैट इज डन बाय द प्रोग्रामर. ओके, बाय द यूजर, हम लोग इसको फोर्सफुली करवाते हैं. ओके, तो फोर्सफुली से क्या मतलब है, यहाँ पर ए के अंदर मैंने एक वैल्यू डाली, बी के अंदर कोई वैल्यू डाली, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि दोनों को मैंने ऐड किया. देखो यहाँ तक तो वो चीज़ सेम ही हो रही है, कौन सी, एम्प्लिसिट वाली. ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल एम्प्लिसिट का यहाँ पर आपको शो करवाने के लिए लिया है. अब देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं सी लिया और ए प्लस बी, एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया था वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बट एक चेंज के साथ. वो चेंज क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ए प्लस बी किया, यहाँ पर भी मैं ए प्लस बी कर रही हूँ और सी के अंदर वैल्यू डाल रही हूँ, बट इसके सिंटेक्स में अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एस टी आर, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा मेरे पास किस फॉर्म में आएगा, फ्लोट की फॉर्म में आएगा, वो रिजल्ट अब मेरे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट सी, और जब मैंने सी का टाइप देखा तो यू कैन सी हियर कि इसका टाइप कौन सा आया, स्ट्रिंग टाइप. लेकिन वहीं ऊपर जब मैंने इसका टाइप देखा तो दैट वॉज वॉट, दैट वॉज अ फ्लोट टाइप. सो वी कैन से दैट कि यहां तक जो भी डन हुआ वो क्या हुआ, एम्प्लिसिट हुआ, मतलब बिना किसी फोर्स के हुआ, दैट वॉज डन बाय द इंटरप्रेटर, और वी कैन से दैट दैट वॉज डन बाय द कंपाइलर ओनली. बट यहां पर मैंने अपनी मर्जी से फ्लोट की वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया. ओके, सो दैट इज डन फोर्सफुली, जो कि एक प्रोग्रामर या फिर जो यूजर के थ्रू होता है एक्सप्लिसिट, जिसमें हम लोग फोर्सफुली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं. अभी इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो ये क्या है कि ये जो 90.56 है दैट इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू हेयर, दैट इज बिलोंग्स टू द स्ट्रिंग नाउ, क्योंकि इसकी क्लास क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग है.
ओके सो ये अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट प्रिंट होगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि मैंने यहाँ पर फोर्सफुली अपने रिजल्ट को जो कि फ्लोट में था उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ओके सो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट यहाँ पर, जो कि प्रोग्रामर के थ्रू यहाँ पर डन होता है, कि जो कि प्रोग्रामर इसको करता है. ओके एग्जैक्टली तो यहाँ पर रिवाइज करवाऊँ, रिवाइज कराने के लिए क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लिसिट है ये बाय डिफॉल्ट होता है. ओके इसमें हम लोग कुछ भी फोर्स नहीं करते हैं. जैसे दो डेटा टाइप आए, इंटीजर और फ्लोट, दोनों को ऐड किया, तो अब वो किस में ऐड हो रहे हैं, ऐड होके ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आएगा वो फ्लोट के अंदर आएगा. ठीक है, तो इसमें हमने कुछ भी फोर्सफुली इसका टाइप चेंज करने की कोशिश नहीं की. वहीं यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे पता था रिजल्ट किस में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है, लेकिन मैंने फोर्सफुली यहाँ पर str लगा दिया कि अब फ्लोट को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ फोर्सफुली किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर. ओके सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट हेयर. ओके दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट, दैट इज डन बाय द प्रोग्रामर. हम इंटेंशनली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं. ओके इसमें मशीन का कुछ रोल नहीं होता है, इसमें हम लोग एज ए प्रोग्रामर फोर्सफुली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं. सो अभी तक हमने यहाँ पर हमारे डेटा टाइप्स को देखा, म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स के जो डेटा टाइप हैं उनको हमने यहाँ पर विद एग्जांपल समझ लिया. देन हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग का जो फीचर है, ओके सो उसको भी हमने एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर कवर किया. ओके सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय.